अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और ढेर खुशियाँ दे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और देखे जी माशाल्लाह मैं आ जाई हूँ अपनी जगह बनाई है वहाँ पर। देखे जी माशाल्लाह जो है ना सारा काम जो है ना हो गया। देखे जी माशाल्लाह सारी हमने ये लिपाई करवा रही है। दीवारें जो है ना उनकी नई लिपाई अभी करवाई और बाकी जो है ना यहाँ पर मिट्टी जो वाला भी और डलवाएंगे क्योंकि ये ना मिट्टी जो वाला भी कम है। बाकी जो वॉशरूम है वो भी देखे जी तैयार हो गया। तो देखे जी मैंने कहा काफी दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया, तो क्यों नहीं बनाया था इस वजह का भी आपको पता ही है क्यों नहीं बनाया था। मोबाइल तो चोरी हो गया था इसलिए। तो अभी हमने ये न्यू मोबाइल लिया है तो व्लॉग जो है ना नहीं बना पा रही टेंशन की वजह से। तो अभी मैं आई थी, मैंने कहा व्लॉग भी बना लूँ तो आप सबको भी दिखा दूँ कि माशाल्लाह देखे जी कितना खूबसूरत लग रहा है। लिपाई करवाई ना तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखे जी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और एक आप सबके लिए और भी सरप्राइज है, वो देखे वो हमने ली है मशीन। ठंडा शुक्र है ये हमारी जो मशीन है ना वो तो हमने ले ही लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको रखा क्योंकि चारा भी यहाँ से ले जाना होता है। फिर एक दफा वहां पर ले जाए शहर घर तो फिर किराया पड़ेगा फिर यहाँ पर ले जाने का, इसलिए हमने ना इसको इधर ही रखवा। तो अभी जो ना चारा काट रहे हैं तो यहाँ पर चारे को बारीक करेंगे मशीन पर तो फिर हम लोग ना घर ले जाएंगे चारा। वैसे तो ये किचन वाली जगह बुलाई थी, अभी तो फिलहाल वैसे इसको यहाँ पर हमने रखा है मशीन को, फिर आगे कहीं रखेंगे। तो देखे जी ये जानवरों के लिए सारी बुलाई है, जितने भी ज्यादा जानवर होना यहाँ पर हम रख सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। तो देखे जी माशाल्लाह अभी कितनी प्यारी लुक लग रही, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही। आप सबने कमेंट करके जरूर बताना कि आप सबको कैसा लग रहा है। तो अभी जो है ना ये आगे से मिट्टी जो है इसको सीधा बदरा करना है अभी, और ये खलारा इट्टे इट्टे वगैरह जो पड़ी है इसको उठाना है, तो फिर ज्यादा ही मजीद प्यारी लगी क्योंकि आगे से अभी ना सेट मेटअप भी रहता है। और अभी तो ये देखे बस मिट्टी लगा दी और इतनी प्यारी लग रही है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो हवा भी माशाल्लाह काफ़ी चल रही है, आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, अभी माशाल्लाह धूप निकल आई है हल्की फुल्की और हवा बहुत ठंडी चल रही है। तो अभी चलते हैं बाहर क्योंकि गंदम जो है ना काफ़ी दिन हो गए गंदम मैं देखने नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो जी गंदम भी देखती हूँ आप सबको भी दिखाती, चलो अभी बाहर चलते हैं और हरियाली जो है ना वो भी देखते हैं। बड़ी प्यारी हरियाली है ना, बड़ी अच्छी लगती है, और हरियाली में बंदा जाए तो बंदा खिल जाता है। देखे जी माशाल्लाह गंदम तो काफ़ी प्यारी है, देखे जी माशाल्लाह अच्छी गंदम खड़ी है और यहाँ से किसी ने लगता है खा लिया जानवर, क्योंकि यहाँ से ना जानवर जो है ना बहुत ज़्यादा गुजरते हैं चराने के लिए, चराई के लिए निकलते हैं, ये साथ में ही गांव है तो इसलिए। तो जब हम यहाँ पर हों तो फिर नहीं आते, अगर ना हो तो फिर जाहिर सी बात है वो भी जानवर को समझाते थोड़ी है, पर जो ना उनके पीछे भी आस्ता आते हैं कि थोड़ा बहुत खा ही ले, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो माशाल्लाह गंदम जो है ना काफ़ी प्यारी खड़ी है, और कक्कर जो पड़ा है ना उसकी वजह से ना गंदम जो है ना वो ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, ज़्यादा अच्छी बन होती है। तो माशाल्लाह देखें कितनी ब्लैक ब्लैक है ना, अच्छी है इस तरह की गंदम का कलर इस तरह होना तो फिर गंदम जो है ना अच्छी होती है। अगर वो होता है ना येलो येलो कलर ग्रीन, ये देखिए जैसे ये यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन वो वाली नहीं सही होती, जो ब्लैक ब्लैक हो ना वो अच्छी होती है गंदम। तो चलो जी अभी ये जो गड़े हैं ना इनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, हमने कहा ये जब गंदम काट लेंगे ना फिर यहाँ से मिट्टी उठाकर ये गड़े भर लेंगे, उसलिए हमने बस इनको अब ऐसे ही छोड़ दिया। तो गंदम जो है ना माशाल्लाह उग भी गई है, तो और गंदम में बस इतना टाइम भी नहीं रह गया, बस बंदा की जिंदगी हो तो सब कुछ ही आ जाता है, सारा वक्त ही आ जाता है, सारे टाइम भी आ जाते हैं, बंदा ला रहे तो फिर बस ला रहे। तो फिर हम ना यहाँ से गंदम काट लेंगे, फिर आसानी से मिट्टी यूं करके इसके अंदर डालेंगे और जो है ना ये गड़े भर जाएंगे। अभी तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया कि चलो अब थोड़े वहाँ रह गए, गंदम तैयार हो जाएगी फिर मिट्टी जो है ना आराम से डाल लेंगे। तो अभी चलते हैं आगे। तो चलो जी अभी जो है ना चारा काटने के लिए लावा आ गया था तो हमने उसको लगा दिया कि चारा काट लो और हमारे लिए भी काट दे। तो वैसे ना चारा आपस की बात है, चारा काटना बहुत ही मुश्किल होता है ठंड में ज़्यादा मुश्किल होता है, अभी तो माशाल्लाह थोड़ी धूप निकली हुई ना ठंड में ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ज़्यादा कहाँ पता है क्या मुश्किल होता है, घर का औरतों के लिए बर्तन धोना और मर्दों के लिए जो फसलों में काम करते हैं उनके लिए चारा काटना, मुझे तो बस यही पता है, बाकी जो भी काम हो मतलब कर लेता है आसानी से। तो देखे जी माशाल्लाह वो देखे भाई जो है ना चारा काट रहा है।
तो माशाल्लाह देखे सारे बुगरे जो वो पक गए हैं। देखे जी माशाल्लाह ये सारे बुगरे बीज हमने बना लिए, मैंने कहा चलो पकने दे। तो ये देखे माशाल्लाह धनिया भी कितनी प्यारी उग गई है। हाँ तो इनको मैं तोड़ के ले जाऊंगी, धनिया को भी देखे सारे मुगरे पक गए, अभी इनको ना तोड़ के ले जाती हूँ, शाम को ना मैं मुगरे ही बनाऊंगी। ये देखे ये मैंने लगाई थी मेथी, तो आलू मेथी का सालन भी बहुत ही मजे का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और अभी जो है ना लावे चारा काट रहे हैं, चलते हैं आगे। हवा भी बहुत ठंडी चल रही है माशाल्लाह। देखिए जी चावल जो है ना मुझे बहुत ही पसंद है, और देखिए चावल माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। वैसे तो हमने बहुत सारे चावल लगाए थे, और यहाँ पर ना से आती है से, तो वो खा जाती है पौधे, तो काफ़ी पौधे से ने हमारे ख़राब कर दिए थे, खा दिए थे, तो खा गए थे। तो अभी ये देखे वो आगे भी लाइन में है माशाल्लाह, ये मुझे तो बस तील ही नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, बाकी से खा गए। वो दरख्त नहीं छोड़ती कोई भी पौधा वाली इस तरह का, खा जाती है। देखे जी ये तो चावल जो है जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएंगे, फिर मैं चावलू खाऊंगी और आप सबको भी खिलाऊंगी, ठीक है। अभी जो लावे वो चारा काट रहे। तो अच्छा जी मैंने सोचा क्यों ना ये ना है मुंगरे जो है ना तोड़ लूँ, बाकी जो है ना सारे पक रहे हैं, तो थोड़े बहुत हैं तोड़ लेती हूँ, घर पे सालन बनाऊँगी आलू मुंगरे का, बड़ा मज़े का बनता है सालन ना। ताज़ा फ्रेश सब्जी है ना खाने कपड़े वगैरह, सब्जी तो हम पहले सारी लगाई थी, कुछ सब्जी हुई और कुछ नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं है, पानी नहीं लगाया इसलिए नहीं हुई, नहर बंद थी इसलिए पानी था नहीं, तो इसलिए लगाया भी नहीं। तो चलो जी अभी मैंने कहा मेथी जो है ना उसको भी काट लेती हूँ, और ये मैं दाती के साथ इसको काट रही हूँ, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है। किसी ने खा ली है मेथी, किस किस को पसंद है आपने कमेंट करना, ठीक है। तो चलो जी अभी हम आ गए हैं चारा लेकर, चारा हमने कटवा लिया, तो अभी पहले टोका चलाने लगी हूँ, पहली दफा अपना जो न्यू लिया, तो अभी चलाते हैं और देखते हैं, और आपको चेक करवाती हूँ अपना न्यू टोका। बिस्मिल्लाह।